नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं रिलीजन। तो आज के विषय में मैं बात करने वाला हूँ जो अपने एलईडी टीवी में जो आईसी होता है जिसका नाम होता है 1118। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आज को एक इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो कि आप कई कबार इस वजह से अपना बोर्ड चेंज कर देते हो या उस टीवी को रिपेयर करना छोड़ देते हो। तो मसला इसमें क्या था, जो मैंने एक टीवी सेटअप रिपेयर किया था जिसका 14 इंच का था, मतलब सेटअप छोटा ही था लेकिन उसमें प्रॉब्लम जो है थोड़ा क्रिटिकल मुझे लगा था, इस कारण से वीडियो में आपको बना रहा हूँ। इसमें मैं थ्योरी बताऊंगा और प्रैक्टिकल का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊँगा। अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर बात करने वाले हैं अपने 888 की, 1118 की, जो कि आईसी का नंबर होता है 3-3। ठीक है, ये और इसमें अगर बात करें तो ये आईसी का एक आइकन यहाँ पर निकाल देता हूँ, जैसे कि इसमें होते हैं चार पहिए। ठीक है, तो आप बोलोगे कि इसमें जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें कोई नई बात नहीं होगी, लेकिन आपको इसमें सोचने में मजबूर कर दूंगा, क्योंकि आपको इसमें समझने में भी आपको आसानी होगी। अगर ऐसे आप नहीं करोगे तो आपको बोर्ड चेंज करना पड़ेगा या तो टीवी का सेटअप को छोड़ना पड़ेगा। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि इसके वोल्टेज जो होते हैं आपको पता होगा, जैसे कि पहला वोल्ट होता है 1.8 वोल्ट, दूसरा होता है 3.3 वोल्ट, और उसके बाद होता है 5 वोल्टेज, उसके बाद हमें मिलता है ग्राउंड, जो कि ग्राउंड। ठीक है, तो ये मैक्सिमम और मिनिमम इसमें वोल्टेज होते हैं। तो आप सोच रहे हो कि यहाँ पर आपने जब भी सेटअप को रिपेयर किया है, अगर इसमें से ये जो नंबर है इसमें से अगर 1 पॉइंट की जगह पर अगर सिर्फ 1 ही वोल्ट आता है तो भी आपका सेटअप ऑन नहीं होता है, ये आपको मैं यहाँ पर बता दूँ। और नेक्स्ट वोल्टेज की बात करते हैं, जैसे कि 3.3 वोल्ट, तो ये वोल्टेज भी आपको नहीं मिलेगा इस वोल्टेज की ना आने की वजह से। अगर 3.3 वोल्टेज भी ना वहाँ पर नहीं आता है तो आपको वहाँ पर इससे कम या इससे ज़्यादा, मैं यहाँ पर नॉर्मली बात बता रहा हूँ, 5 वोल्टेज नहीं आएगा तो आपके ऐसे भी किसी भी वोल्टेज का बदलाव इसमें नहीं होगा। 5 वोल्टेज मेन है, 5 वोल्टेज आता है तो आपका टीवी के लिए बाकी की वोल्टेज चेक करना ज़रूरी है, जैसे कि 1.8 वोल्ट और 3.3 वोल्ट। फिर आगे थोड़ा कॉइल के आगे जाएंगे तो 2.095 वोल्टेज यहाँ तक दिखाएगा, वो होता है अपने सेंसर के लिए। तो यहाँ पर इस सेटअप में मुझे क्या हुआ था, जो कि मैं आपको यहाँ पर रियलिटी बता रहा हूँ, जिस सेटअप में हमें क्या हुआ था, यहाँ पर 3.3 वोल्टेज मैंने चेक किया, यहाँ पर 1.8 वोल्टेज चेक किया, तो यहाँ पर वोल्टेज जो है इस जगह पर हमें मिल रहा था 1.6 वोल्ट। तो इसमें मिस्टेक मेरे से हो रही थी, यहाँ पर 5 वोल्टेज ठीक था, 5 वोल्टेज के नीचे ही था, मतलब ठीक था, 9 वोल्टेज तक यहाँ पर था, जैसे कि 4.9 वोल्ट यहाँ पर था, लेकिन यहाँ पर 1.8 था, ये भी ठीक था, दोनों में किसी भी मसला नहीं था। इस आईसी के जो भी पॉइंट थे, जैसे कि यहाँ पर 3.3 वोल्ट, यहाँ पर भी 3.3 वोल्ट, और यहाँ पर होगा 1.8 वोल्ट, यहाँ पर 1.8 वोल्ट। ठीक है, ऐसा एक वोल्टेज का एक मसला होता है, अलग अलग तरह के हो सकते हैं, लेकिन इनमें से मैं डायरेक्ट नहीं बताऊंगा किस जगह पर कौन सा आ रहा है, आप वहाँ पर चूज कर लेंगे। तो यहाँ पर सिर्फ कितना हो रहा था, 3 वोल्टेज बढ़ने की वजह से, वो भी 0 पॉइंट के मैक्सिमम से, जैसे कि 3.3 के वोल्टेज की जगह पर 3.6 वोल्टेज यहाँ पर आ रहा था। इस कारण से हमारे एलईडी सेटअप में पावर एलईडी ग्लो कर रहा था लेकिन स्टैंड बाई नहीं हो रहा था। तो ये हो गया ओवर वोल्टेज। कभी कभार आप इस वोल्टेज को छोड़ देते हो, थोड़ा बहुत ज़्यादा आता है, तो कई जितने भी यूट्यूबर्स हैं उन्होंने कहा है कि वोल्टेज थोड़ा ज़्यादा आया तो चलेगा, वोल्टेज कम आया तो नहीं चलेगा, ऐसे मैंने बहुत सारे वीडियोज़ देखे हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, वोल्टेज ज़्यादा भी आता है तो आपका सेटअप ऑन नहीं होगा, ये मैक्सिमम सेटअप में दिखाई देता है, पूरे सेटअप नहीं। तो कभी कभार आप यहाँ से गलती कर देते हो, तो यही एक गलती थी जो मेरे से हो गई। तो मैंने इसमें कैसे एडजस्ट किया, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट वो अपना जो मॉड्यूलर होता है जिसमें 3 वोल्टेज होते हैं, 5 वोल्टेज, 3.3 वोल्ट, 2.5 वोल्ट और 1.8 वोल्ट, और 0 से छोड़ दिया तो डायरेक्टली 2 वोल्ट से आसपास उसमें आता है। उस मॉड्यूलर का मैंने यूज़ किया, जैसे कि ऐसे उसमें टिक होते हैं,
आपको अगर मालूम नहीं होगा तो 5 वोल्टेज, 3.3 वोल्ट, उसके बाद 2.5 वोल्ट, उसके बाद 1.8 वोल्ट, और जो मैक्सिमम 2 वोल्ट होता है वो किसी भी वोल्ट को नहीं शोल्डर करने के बाद यहाँ पर हमें जो वोल्टेज मिलेगा वो वोल्टेज मिलेगा 20 वोल्ट, ये होते हैं 5 वोल्टेज। तो इसमें सही बात है, आपको यहाँ पर इस मॉड्यूलर का यूज़ करना है। जैसे कि 3.3 वोल्टेज की जगह पर अगर ज़्यादा भी आ रहा है, 5 वोल्टेज तक जाता है, तो आप तो डायरेक्ट आईसी को चेंज कर दिएगा। अगर उसके नीचे आता है जैसे कि 6 वोल्ट, 7 वोल्ट, 4 वोल्टेज तक, मैं डायरेक्टली आपको बता दूँ 4 वोल्टेज तक आता है तो आपको आईसी को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट मॉड्यूलर को यूज़ कर सकते हो। अगर आईसी है तो आपको आईसी चेंज कर देंगे, तभी भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, मैं आपको खुला आपको बता दूँ, क्योंकि इसमें वो आईसी का प्रॉब्लम नहीं है, वोल्टेज ज़्यादा आ रहे हैं। तो ये मॉड्यूलर क्या करता है कि इसमें रेगुलेटर होने के कारण, रजिस्टर होने के कारण वोल्टेज को बढ़ाया नहीं देता है। तो जैसे रेगुलर में लगाते हो वैसे आप उस मॉड्यूल को एडजस्ट कर दिए। तो मैं आपको बता दूं कि आपको लग रहा होगा कि ये मॉड्यूलर लगाए तो इसका 3.6 वोल्टेज और इसका 3.3 वोल्ट, तो ज़्यादा हो गया, 6 वोल्टेज हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं। तो इसमें कंट्रोलर होने की वजह से ये अपना वोल्टेज जो है एडजस्ट कर देगा और 3.3 वोल्टेज ही इसमें इंस्टॉलेशन हो जाएगा, जिससे आपका सेटअप पूरी तरह से ओके हो जाएगा। तो अगर इस जानकारी में कोई भी बदलाव आपको लगता है, कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो ज़रूर मुझे कमेंट कीजिएगा, ऐसे नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और शेयर करोगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, बाय दोस्तों।